3 वर्ष की बच्ची श्रीनगर की, जिसने अभी आंखें नहीं खोली, जिसने अच्छे तरह से आसमान नहीं देखा, जिसने माता पिता के दर्शन नहीं करे, जिसको अभी हालात पैदा नहीं हुए कि वो अच्छे ढंग से आंखें खोल करके अपने जीवन के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास कर पाती। एक दुष्कर्मी आया, 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के अंदर रेप कर दिया गया और प्रिंसिपल कहता है नहीं नाबालिग है। अरे नाबालिग है या बालिक है, इसका विषय के अंदर विचार तो सरकार करने वाली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और उसको सजाए मौत लाचौक के अंदर होनी चाहिए। और इस तरह का दुष्कर्म काम के लिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, अरे कश्मीर वालों चिंता हम नहीं करो, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो कश्मीर की बेटी नहीं है। और माननीय राज्यपाल जी आपने अच्छा काम करा है, लेकिन उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आपको प्रयास करना होगा, जिस प्रिंसिपल ने झूठ बोला, और उसके स्कूल को बंद करना होगा। इस तरह की कार्रवाई कभी भी मंजूर नहीं होगी, एक छोटी सी बच्ची के साथ घृणित कार्य करना और फिर उसके बाद में उसके अंदर राजनीति का प्रवेश करना। अब मैं उन अलगवादी नेताओं से पूछना चाहता हूं, अरे तुम चुप क्यों हो? अरे मैडम महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, एक पुराना नियम पाकिस्तान के अंदर जो होता था, उस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। और जब तुम कुर्सी के अंदर थी कुछ और भाषण करती थी, कुर्सी के बाहर तक कुछ और भाषण करने का प्रयास करना चाहती है। इसलिए स्पष्ट है हिंदुस्तान की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बच्चा बच्चा ही हिंदुस्तान का उसके साथ है। और माननीय राज्यपाल जी एक सख्त कार्रवाई, एक उदाहरण पेश करके दीजिए ताकि फिर इस तरह की घटना कोई दोहराने का प्रयास ना कर पाए। धन्यवाद।